हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने एक्सरसाइज 6B और 6C के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप 6D के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने एक्सरसाइज 6A, 6B और 6C की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्वेश्चन 1 है 5x प्लस 7 3x प्लस 4। स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है कि जो ये वाली ब्रैकेट के जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको हमने इस ब्रैकेट के हर डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। देखो, जैसे ये ब्रैकेट है, बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई का। तो इस ब्रैकेट के डिजिट्स को इनको इन ब्रैकेट के सभी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम 5x लेंगे। 5x को हमने 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन कौन सा है? प्लस का। तो यहाँ पर प्लस 7 लेंगे और प्लस 7 को 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको मल्टीप्लाई करना आता ही है। मल्टीप्लाई में क्या करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है और जो पावर्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर है 5 3 15 और यहाँ पर x की पावर 1 और यहाँ पर x की पावर 1, तो कितना आ गया? x की पावर 2। अब यहाँ पर साइन प्लस का आएगा। 5 4 20, अब 20 यहाँ पर x भी है तो यहाँ पर 20x। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन। 7 3 21 और x भी साथ में आएगा, प्लस 7 4 28। अब हम जो सेम टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, जैसे जो भी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो कर लेंगे। अब 15x², इसकी तो कोई टर्म नहीं है, सेम, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस 20x प्लस 21x, दोनों प्लस के हैं तो इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास? प्लस 41x और यहाँ पर प्लस 28। हमारा आंसर क्या आ गया? 15x² प्लस 14x प्लस 28। क्वेश्चन 2, 4x माइनस 3 2x प्लस 5। पहले 4x को हम पूरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी ब्रैकेट्स में हैं। अब यहाँ पर माइनस 3 है तो हमने माइनस 3 ही लेना है साइन के साथ, फिर इसको 2x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 8x² पावर सेट होगी, प्लस 5 4 20x। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन का ध्यान रखना है। अब 3 को 2 से पहले माइनस प्लस माइनस आ गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस 2x है तो माइनस प्लस माइनस होता है, आपने इंटीजर्स वाले चैप्टर में पढ़ा है। 3 2 6x। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 3 5 15। अब 8x² आ गए यहाँ पर। अब ये सेम है 20x और 6x, पर यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, पर जो 20 है वो बिगर नंबर है 6 से, इसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आया। अब इसको लेस किया तो हमारे पास 14x आ गया माइनस 15, तो ये हमारा आंसर आ गया। सुनिए, ये सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। आप क्वेश्चन 7 तक खुद ट्राई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे तो ये क्वेश्चन है जो एल्जेब्रिक चैप्टर, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आपको भी लग रहा होगा, आई होप, और आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। x माइनस 6, पहले x को हमने 4x प्लस 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर पूरा साइन के साथ यहाँ पर उतारेंगे, माइनस 6 4x प्लस 9, राइट। अब x को 4x से किया तो पावर ऐड हो जाएगी, 4x² आ गया प्लस 9x। अब माइनस, अब यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस का साइन, 6 4 24x माइनस प्लस माइनस, 6 9 54। अब ये जो सेम टर्म है इनको सॉल्व कर लेते हैं 4x², पहले हम साइन देख लेते हैं, है ना, साइन सॉल्व हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। माइनस प्लस माइनस करेंगे, ये हमें पता चल गया। अब 24 जो है 9 से बिगर नंबर है, इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया यहाँ पर। अब 24 को से हमने 9 को लेस करना है तो यहाँ पर कैरी किया, 14 में से 9 लेस किया तो कितना आया हमारे पास? 5 और 1 एज इट इज़, और यहाँ पर x आ गया माइनस 54,
तुम्हारा आंसर आ गया 4x² - 15x - 54। अब क्वेश्चन 4 भी सॉल्व कर लेते हैं। 5y को पहले, जैसे फर्स्ट डिजिट है पहले उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि कन्फ्यूजन हो, स्टेप वाइज चलेंगे तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा और जल्दी सॉल्व होएगा और कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। 5y को किया हमने 3y - 8, और यहाँ पर -1 है, -1 को एज इट इज आ लिया, फिर 3y - 8 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 15, वाई की पावर 1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ वाई की पावर 2 आ गया। 5 8 40y 40y, अब माइनस प्लस माइनस का साइन, 1 3 3y आएगा, माइनस माइनस प्लस आ गया, 1 8 8 आ गया। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर सेम टर्म यही है, अब यहाँ पर माइनस माइनस है, तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है, आपने इंटीजर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, माइनस माइनस होते हैं तो साइन हमारा माइनस का ही रहेगा, पर उनको हम ऐड करते हैं जब सेम साइन होते हैं, है ना। तो 40 + 3 43y + 8, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, 7x + 2y और x + 4y। पहले 7x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 2y + 2x - 2y x + 4y। 7x को x से किया तो हमारे पास 7x². अब 7 4 28, प्लस का साइन 28। अब यहाँ पर x है y है, ये डिफरेंट डिफरेंट, तो हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर अलग से लिख लेंगे। प्लस अब यहाँ पर 2xy आ गया, और यहाँ पर 2 4 8y² आ गया। अब सेम जो है इनको सॉल्व करते हैं, 7x² + 28 + 2 हमारे पास कितना है, 30xy + 8y². देखिए स्टूडेंट कितने इजी हैं, और मुझे तो इनको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर लीजिए, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब आप वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर है 9x को हम 4x + 3y से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर +5y है, 4x + 3y, ठीक है। अब देखो यहाँ आपने पूरा उतारना है, अगर आपने यहाँ पर प्लस का साइन या माइनस का साइन लगाया तो इसका मतलब कि आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर +y है, तो यहाँ पर पूरा +y उतारना है आपने। अब 9 4 36, x² प्लस का साइन, 9 3 27, xy + 5 4 20, xy + 5 3 15, y² 2, 36x². अब 27 और 20 कितना आ गया, 47xy + 15y² 2। क्वेश्चन 7th है, 3m - 4n को हमने मल्टीप्लाई करें 2m - 3n। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या गलती करते हैं, जब वो क्वेश्चन उतारते हैं ना तो साइन में जरूर गलती करते हैं, जैसे जहाँ पावर 2 है तो वहाँ पर पावर नहीं उतारते, इसलिए क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। ये क्वेश्चन जितना आप कॉन्सेंट्रेट होकर करोगे ना उतनी जल्दी सॉल्व होगा। अब जैसे 3m है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2m - 3n, अब यहाँ पर -4n को 2m - 3n से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6, अब यहाँ mm पावर 1 1 है तो ऐड हो जाएगी, स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस का साइन, 3 3 9 mn, अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 4 2 8 mn, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 n² 2। अब सेम सेम साइन है, इनको ही करना है हमने सॉल्व, ये तो हम एज इट इज लिख देंगे 6m². अब माइनस माइनस साइन माइनस करेगा, इनको हम ऐड करेंगे, 9 + 8 17 mn + 12 n² 2, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 8 स्टूडेंट्स, ये डेसिमल वाले हैं। अब डेसिमल वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये भी कोई मुश्किल नहीं होते, ये भी बहुत इजी होते हैं, इनको बस स्टेप वाइज चलेंगे हम लोग। 0.8x को करना है हमने 1.5x - 3y। अब -0.5y - 1.5x - 3y, ठीक है, देख लेते हैं हमने सेम एज इट इज़ तरह, है ना, यस बिल्कुल सही है। अब हमने क्या करना है कि 0.8x को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स पहले तो
डेसिमल को हटा दिया तो ये सिंपल 15 बन गया और ये 8 बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मल्टी इसको रफ वर्क में करते हैं, देखो 15 8 सा, वैसे तो आपको ये खुद भी कर लोगे, तो 15 8 सा कितना है, 8 5 40, 0 4 कैरी, तो 120 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। ये तो आ गया हमारे पास सिंपल। अब हमारे पास डेसिमल भी लगाना है, तो डेसिमल के चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ पर भी 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट है, ठीक है ना। जब भी मल्टीप्लाई में करते हैं तो हम डेसिमल के बाद बोथ साइड हमारे पास क्या आ गया, ये 0.8 मल्टीप्लाई 1.5 है। आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया 15 मल्टीप्लाई 8, अब हमने डेसिमल लगाना है। अब बोथ साइड, ये दो साइड्स हो गए ना, यहाँ पर 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ पर 1 डिजिट है, कितना गया 2 डिजिट, तो हमने 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है जो हमारा आंसर आया। तो यहाँ पर कितना आ गया, पीछे आंसर की जो बैक साइड से हम हमेशा डेसिमल लगाते हैं, तो 1 2 2 डिजिट छोड़ दिया, इसके आगे हमने डेसिमल लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या गया 1.20। और आपको पता है डेसिमल के बाद हम सेपरेट सेपरेट डिजिट को रीड करते हैं, तो या तो आप 1.2 ले लोगे तब भी चलेगा क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, या आप 1.20 लिख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1.20, एक्स की पावर क्या है यहाँ पर 2, ठीक है, अभी हम यही लिख लेते हैं। उसके बाद साइन लगाएंगे, पहले प्लस माइनस माइनस जैसे हम करते आए हैं। अब हमने 0.8x को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 3 24, हमने 24 लिख दिया। अब हमने डेसिमल लगाना है, देखो यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, 3y है सिर्फ, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हमने जो आंसर आया उसको बैक साइड से 1 डिजिट छोड़ के आंसर लगा दिया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स हैं x एंड y को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास कितना आ गया 75। ये करके बताते हैं आपको, देखो 0.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, तो अब इसका आपने डेसिमल को उठा दिया तो सिंपल ये 15 मल्टीप्लाई 5 बन गया, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 75। आज अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, मतलब 1 प्लस 1, हमने जो डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उनको ऐड कर दिया, और जो आंसर आया 75 बैक साइड से काउंट करना है 2 डिजिट, 1 2, इसके आगे हमने डेसिमल लगा दिया। तो ये अगर 0.75 है, इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0.75 आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, वेरिएबल्स एक्स वाई आ गए यहाँ पर। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15 वाई स्क्वेयर, अब डेसिमल लगाना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने डेसिमल लगा दिया 1 डिजिट के बाद। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 1.20x2। अब स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस करेंगे इनको, पर माइनस का साइन, जब प्लस करते हैं तो कैसे करते हैं, तो जैसे हमारे पास 2.4 है तो हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, उसके बाद 7.5 लगा देना है, ठीक है ना। अब इनको ऐड करना है, तो यहाँ पर आप 0 लगा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ऐड हो ही जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ गया, 7 प्लस 4 11, 1 1 कैरी, तो ये आ गया 3.15, ठीक है। माइनस 3.15 एक्स वाई प्लस 1.5 वाई के स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या है, एक साइड फ्रैक्शन है और एक साइड बिना फ्रैक्शन के है, तो हम वही तरीके से करना है, 2/5x को 10x माइनस 8y, यहाँ पर माइनस 1/2y है, तो 10x माइनस 8y, ठीक है। अब देखो जब हमने 2/5x को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 के नीचे यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर कोई मतलब डिजिट नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई है नहीं डिजिट, तो उसको हम 1 मान लेते हैं। तो हम अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, 2 10 ज़ा 20, यहाँ पर अपॉन 5 5 1 ज़ा 5, अब एक्स की पावर ऐड होगी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पर भी हमने 1 मान लिया, तो 2 8 ज़ा 16 अपॉन 5 xy आ गया, राइट। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, अब 1 को 10 से मिला, सपोज आपने यहाँ पर भी 1 मान लेना है, ठीक है ना, तो 1 को 10 से किया, 10 अपॉन 2 xy आ गया,
माइनस माइनस प्लस, अब वन को एट से किया, एट अपॉन टू वाई की पावर टू आ गया। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले देख लो किस पे करते तो नहीं है, जैसे ये फाइव फोर ज़ा 20 पे कट गया, टू फाइव ज़ा 10 कट गया, टू फोर ज़ा 8 कट गया। अब देखो कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है तो ये आपस में नहीं कटेंगे, ठीक है ना। अब हम इनको एज इट इज़ डालते हैं तो ये आ गया 4x² माइनस 16 अपॉन 5xy माइनस 5xy प्लस 4y की पावर 2। अब फ्रेंड्स हमने इसको सॉल्व करना है। अभी जब भी एक फ्रैक्शन का आ गया यहाँ पर, फ्रैक्शन के सम में क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके नीचे सपोज वन कर लेते हैं। ये 4x² एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर हमने सपोज कर लिया 5 है, सपोज क्या है, एलसीएम 5 ही आएगा। अब यहाँ पर आया माइनस 16xy, अब यहाँ पर साइन माइनस का, 5 5 25xy प्लस 4y की स्क्वायर। अब 4x² माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन माइनस करेगा, और 25 में 16 ऐड किया तो 6 प्लस 5 11, वन वन कैरी 2 3 4, 41 अपॉन 5xy प्लस 4y की स्क्वायर, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10 भी बिल्कुल सेम है, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। 3 अपॉन 4a को हम करेंगे 4a प्लस 3b से मल्टीप्लाई, अब प्लस 2 अपॉन 3b को करेंगे 4a प्लस 3b से मल्टीप्लाई। अब 3 4 12, वही सपोज वन वन, ठीक है ना। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना है। 3 4 12 अपॉन 4a की पावर 2 प्लस 3 3 9 अपॉन 4ab। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ जहाँ पर प्लस है तो वहाँ पर साइन की कोई टेंशन नहीं होती। 2 4 8 अपॉन 3ab प्लस 2 3 6 अपॉन 3b की पावर 2। अब देख लेते हैं जो करते हैं उनको काट देते हैं, और 2 4 3 12 है ना, और 3 2 6, ये आपस में नहीं कट रहे है ना, ये नहीं कट रहे। अब ये कर दिया हमने 3a की पावर 2 प्लस 4, इसका एलसीएम लिया। अब ये किसी नंबर पे नहीं कट रहे दोनों ना, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12। अब 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 3 9 27ab, यहाँ पर जाके गलती हो जाती है, इसलिए इसका ध्यान से करना है। जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको हम जो एलसीएम है उससे डिवाइड करते हैं, और जो डिवाइड करके आंसर आता है उससे हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस यहाँ पर 4 आया, 4 8 32ab प्लस 2b की पावर 2, 3a की पावर 2 इनको ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास, 59 अपॉन 12ab प्लस 2b की पावर 2, तो हमारा आंसर आ गया 3a² प्लस 59ab 12 अपॉन 12ab प्लस 2b की पावर 2। क्वेश्चन 12, x² - a² को x - a से मल्टीप्लाई करना है। x² को हमने x - a से करना है। अब यहाँ पर माइनस ए स्क्योर डाल दिया, फिर x - a से करना है। x² को x से किया तो यहाँ पर 2 + 1, x की पावर 3, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या आ गया, x² a आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस एक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर x² a आया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, a² x आ गया। अब माइनस प्लस प्लस आ गया, a की पावर 2 आ गया, यहाँ पर a की पावर 3 आएगा यहाँ पर। अब ये सारे जो है डिफरेंट टर्म्स हैं, यहाँ x की पावर क्यूब है माइनस x की पावर 2a, और यहाँ पर a की पावर 2x, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, और ये प्लस a क्यूब, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 13 है हमारे पास, 3p² 2p² से करना है, माइनस 3q² से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर प्लस q² 2p² माइनस 3q² से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, यहाँ पर p की पावर क्या आएगी, 4, 2 + 2 4। अब प्लस माइनस का साइन, 3 3 9, तो ये आएगा p²
क्योस्कियर प्लस यहाँ पर टू कितना आ जाएगा पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 3q की पावर 4। अब ये दोनों डिफरेंट टर्म्स नहीं है, सेम टर्म्स है, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर 6p की पावर 4 आ गया। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा क्योंकि 9 जो है 2 से बिगर नंबर है और 9 में से 2 लेस किया तो हमारे पास आ गया 7p² q² - 3q की पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 14, 2x² को हम x² प्लस 3y² से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस 5y² को हम x² प्लस 3y² के, जहाँ ये स्क्वेयर वगैरह रहते हैं इनका ध्यान रखना, यहाँ पर भी गलती होती है। तो 2 को हमने किया तो यहाँ पर 2x की पावर 4, 2 + 2 = 4 प्लस 3 × 2 = 6 x² y² माइनस प्लस माइनस, तो y² x² माइनस प्लस माइनस 5 × 3 = 15 y की पावर 4। तो 2x पावर 4। अब यहाँ पर ये दोनों सेम टर्म है, चाहे आपको पता है ना, चाहे y को पहले लिख लो x को पहले लिख लो, सेम ये टर्म होगी। तो यहाँ पर जो है साइन कौन सा आएगा, 6 जो है 5 से बिगर नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ गया, तो 6 में से 5 लेस किया तो 1x² y² - 15 y की पावर 4, ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 15, x³ - y³ को हमने x² + y² से मल्टीप्लाई करना है। पहले x³ को करेंगे x² + y², अब यहाँ पर माइनस y³ को उतारेंगे और इसको करेंगे x² + y² से। अब x³ को x² से किया तो यहाँ पर कितना आ गया x⁵ प्लस x³ को y² से किया तो ये एज इट इज ही आ जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस x² y³ आ गया, माइनस प्लस माइनस y⁵ आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर x³ है और यहाँ पर x² है, तो जो ये जो हमारा है ये डिफरेंट टर्म है, तो यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन 15 तक ही सॉल्व करेंगे। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स मुझे ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 16 से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।